एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, बात उस समय की है जब मुझे किसी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना था। एक आ रही थी मेहमान, तो उसको लेने के लिए मैं रेलवे स्टेशन को जा रही थी। और दिन था, उस दिन का तारीख था 8 अगस्त, यानी कि 8 अगस्त यानी कि आदिवासी दिवस। तो उस दिन मैं उस मेहमान को लेने चली गई और रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद हम लोग जाते हैं आदिवासी परिधान जहाँ पर मिलता है। और ये देखिए, यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर ना बहुत सारे यहाँ पर कपड़े मिलते हैं, आदिवासी साड़ी, फिर आदिवासी धोती वगैरह, बहुत सारा यहाँ पर साड़ी तरह तरह डिज़ाइन के यहाँ पर थे, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वो जो मेहमान थी, वो रिश्तेदार लगती है हमारी, लेकिन उसका वीडियो नहीं कर सकती मैं, क्योंकि उनको कैमरे में आने का मतलब उनको उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं उनका फेस नहीं ले रही हूँ। और उन्हीं को साड़ी लेना था, तो मैं उसके साथ साड़ी लेने के लिए आ गई थी। उनको स्कूल के बच्चों के लिए लेना था, क्योंकि 15 अगस्त भी आ रहा था, तो ये साड़ी ज़रूरत थी। तो मैं उनको ये दुकान लेकर के आई थी। और अगर जिनको भी साड़ी लेना हो या फिर धोती कुर्ता आदिवासी परिधान लेना हो, तो वो कांटा टोली चौक के पास ही ये दुकान है, तो वहाँ पर आप लोग ले सकते हो। बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के यहाँ पर आपको सारे ड्रेसेस मिल जाएंगे, जितने आपको ज़रूरत है आदिवासी परिधान की। और गाइस, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए नहीं ला पा रही हूँ। पर इस वीडियो के बाद जो भी नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो लॉन्ग वीडियो रहेगा, तो आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। गाइस, जिनको भी अभी आदिवासी परिधान की ज़रूरत हो, तो वो इस दुकान पर आ सकता है और ड्रेस लेकर जा सकता है। इस दुकान का नाम मैं नीचे कमेंट पर लिख दूंगी। और हम लोग साड़ी लेने के बाद आ जाते हैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट, और खाना खाने के बाद फिर हम लोग जेल पार्क थोड़ा सा घूमने चले जाते हैं, पर ज़्यादा वीडियो तो नहीं ले पाते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।